हवा में है होरी, जब से हवा में है होरी, तोरे अखिया करे जोरा जोरी, रंग दीनी कलैया गोरी, रंग दीनी कलैया गोरी, सजल तोरी अखिया, जब से हवा में है होरी, तोरी अखिया करे जोरा जोरी। जियरा की सब बातें जाने, मोहे रंगने के तू ढूंढे बहाने, तोरे जियरा की सब बातें जाने, मोहे रंगने के तू ढूंढे बहाने, लेकिन भोली नहीं ये छोरी, सजन तोरी अखियां, सजन तोरी अखिया रे, अखिया करे जोरा जोरी, रंग दीनी कलैया गोरी, रंग दीनी कलैया गोरी, सजन तोरी अखिया, जब से हवा में है होरी, तोरी अखिया करे जोरा जोरी। फागुन में यूं भीगना रंगना गुलाल अभी, फागुन में यूं भीगना रंगना गुलाल अबीर, ज्यों भीगे थे प्रेम में राधा मीरा कबीर, ज्यों भीगे थे प्रेम में राधा मीरा कबीर। नमस्कार, आज सराबोर होंगे प्रेम में और प्रेम के रंगों में। भगवान कृष्ण सांवले थे जबकि राधा गोरी थी। राधा इसी बात पर कृष्ण को चिढ़ाती और कृष्ण रोते। एक बार माता यशोदा ने छोटे कन्हैया को कहा कि वो जाकर राधा का ही रंग बदल दे। बस कृष्ण ने जाकर राधा को रंग दिया। होली पर रंग खेलने की शुरुआत तभी से मानी जाती है। मथुरा और वृंदावन की होली देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जिस खेल की शुरुआत बचपन की नादानी से शुरू हुई थी, उसे अपने रंग में दुनिया को लपेट लिया है। ब्रज की यही होली परंपरा, गीतों और संस्कृति में शामिल हो चुकी है। ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी तो होरी पर जोरी रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी तो होरी पर जोरी रसिया। उड़त अबीर गुलाल कुमकुमा, केसर की पिचकारी रे रसिया, उड़त अबीर गुलाल कुमकुमा, केसर की पिचकारी रे रसिया, उत ग्वाल बाल सब आवत, उत ग्वाल बाल सब आवत, इत वृषभान दुलारी रे रसिया,
ग्वाल बाल सब आवत हित वृषभान दुलारी रे रसिया। बाजत बिन मृदंग पखावज गावत दे दे तारी रे रसिया। श्याम श्याम ली खेले होरी अद्भुत रूप तिहारो रे रसिया। अपने अपने घर से निकली अपने अपने घर से निकली कोई गोरी कोई कारी रे रसिया। अपने अपने घर से निकली कोई गोरी कोई कारी रे रसिया। आज भी रज में होरी रे रसिया होरी तो होरी पर जोरी रसिया। जितने होली में रंग है उतने ही इस त्योहार से जुड़ी कहानियां भी हैं। प्रहलाद और होलिका की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको शिव और कामदेव का होली से रिश्ता पता है? माना जाता है कि हिमालय की बेटी पार्वती चाहती थी कि उनकी शादी भगवान शिव से हो जाए, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव ने पार्वती की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने फूलों का तीर चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसकी ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। इसके बाद शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि होली की आग में वासना जलकर खाक हो जाती है और सच्चे प्रेम की जीत होती है। कामदेव के राख हो जाने के बाद उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव का गुस्सा खत्म हुआ और उन्होंने कामदेव को दोबारा जिंदा कर दिया। यह दिन भी होली का था। होली और प्रेम के रंगों से सराबोर हरिवंश राय बच्चन की ऐसी ही एक कविता है। देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी। तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भींगा, तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भींगा। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। अंबर ने ओढ़ी है तन पर चादर नीली नीली, अंबर ने ओढ़ी है तन पर चादर नीली नीली, हरित हरित्री के आंगन में सरसों पीली पीली। सिंदूरी मंजरियों से है अंबा शीश सजाए, सिंदूरी मंजरियों से है अंबा शीश सजाए। रोली में संध्या उषा की चोली है, रोली में संध्या उषा की चोली है। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। होली का रिश्ता सिर्फ रंगों से नहीं है, हंसी ठिठोली छेड़छाड़ और शरारत से भी है। शेख जहरुद्दीन हातिम का शेर है, होली के अब बहाने छिड़का है रंग किसने, होली के अब बहाने छिड़का है रंग किसने, नाम है खुदा तुझ ऊपर इस आन अजब समा है। खास तौर पर युवक इस त्योहार को अलग ही अलहड़ और बेफिक्री से मनाते हैं। आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूं। राजा पृथु के राज्य में एक राक्षसी थी जिसका नाम ढूंढी था। कहा जाता है कि वो बच्चों को मारकर खा जाती थी। ढूंढी को वरदान था कि उसे कोई भी देवता इंसान या हथियार नहीं मार सकेगा, नहीं उस पर सर्दी गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन भगवान शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वो मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने तंग आकर राज पुरोहित से
उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी, सब बच्चे लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें, ऊंची आवाज में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें, जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें, तो राक्षसी खुद ब खुद मर जाएगी। जब ढूंढी राक्षसी बहुत सारे बच्चों को देखकर वहां पहुंची तो बच्चों ने एक घेरा बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर से बाहर खदेड़ दिया। इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं और इसीलिए होली पर हुड़दंग करते बच्चों का बुरा भी नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, फोहड़ता को न पहले बर्दाश्त किया जाता था न अब किया जाना चाहिए। होली में कुछ होना चाहिए तो सिर्फ प्रेम, भाईचारा और शायद थोड़ी हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी, लेकिन शालीनता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब होली के रंग उतर जाएं तो किसी से नजरें मिलाने में शर्म ना आए। आपको छोड़ जाता हूं होली के ऐसे ही रंगों में जिसमें हल्की सी छेड़खानी भी है। मारा मारा गोरिया ने धक्का, मारा मारा गोरिया ने धक्का, बलम हो गए हक्का बक्का, बलम हो गए हक्का बक्का। गुलाम निकले जो बनते थे इक्का, गुलाम निकले जो बनते थे इक्का, बलम हो गए हक्का बक्का, बलम हो गए हक्का बक्का। होली के दिन पियाजी को रंग ने, होली के दिन पियाजी को रंग ने, गोरिया पहुंची सहेलियों के संग में, गोरिया पहुंची सहेलियों के संग में, गुलाल में मिलाए रंग जो पक्का, गुलाल में मिलाए रंग जो पक्का, बलम हो